नाज़रीन, में आपका होस्ट सैयद फखर जैदी और आप लोग देख रहे हैं सेंटर न्यूज डॉट पी के। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी साहिवाल में और आज स्टूडेंट्स ने रंगरेला मेले मना रहे हैं और लाजमी बात है आज एक्सपो के नाम से यूनिवर्सिटी साहिवाल में एक खूबसूरत जो है फेस्टिवल का इनका किया जा रहा है। मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं और जानते हैं उनसे कि आज जो इस फेस्टिवल में क्या क्या कर रहे हैं और मजीद क्या करेंगे और ये इनमें ये थिंकिंग सोच कहाँ से आई, क्योंकि काफी अर्से से मैं देखा साहिवाल में ऐसा कोई फेस्टिवल फंक्शन नहीं हुआ। जी सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। असल में हमारे में जो है ना वो मेनली एक चीज आ रही है कि हम नौकर पैदा कर रहे हैं। हमने उस चीज को खत्म करने के लिए, हमारे जो असातिज़ा इकराम है उन्होंने इस चीज को खत्म करने के लिए, ताकि हम लोगों में जज्बा है कि हम अपना कारोबार करें, हम लोग नौकरियों के मोहताज ना रहें, हम लोगों में मोहताजी खत्म हो, हम लोग अपना कारोबार कर सकें। यहाँ कह रहा था कि हम लोग नौकरी खत्म करके अपना कारोबार करते हैं, यानी कि आप लोगों का बीबीए डिपार्टमेंट बिजनेस डिपार्टमेंट लगाया है, एमबीए डिपार्टमेंट एमबीए हम लोग बिजनेस। क्या क्या स्टॉल होंगे कुछ बताएंगे प्रॉपर आपके आपके स्टॉल के अलावा? अच्छा, इसमें ये कि जो हमारा स्टॉल है ना, इसमें हमारा जो मैनचेस्टर कैफे स्पॉन्सर किया गया, ठीक है, उसमें हमारा ये बर्गर है, शवारमा शेक है, ठीक है, उसके अलावा हमारे जो मोबाइल एक्सेसरीज है, जो बाकी स्टॉल लगाए गए नीली राय में, जैसे उन्होंने खीर लगाई है, हलवा लगाया, ठीक है, इस तरह बारबेक्यूज है, कॉस्मेटिक्स है, डिफरेंट जो चीजें हैं ना स्टूडेंट्स इधर कर रहे हैं, ठीक है। नाज़रीन, मैं यूनिवर्सिटी साहिवाल में इस तीसरे चौथे स्टॉल पे मौजूद हूँ, पीछे से आपको लेकर आता जा रहा हूँ, दिखाता जा रहा हूँ कि क्या क्या मौजूद है। मैं एक और स्टॉल में मौजूद है, मुझे अगर दिखा सकते हैं पीछे, इस वक्त काफी बड़ी तादाद में खाना जो है वो बिक भी चुका है, मैं कहूँगा स्टूडेंट्स ले भी चुके हैं और खाते भी जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। इस फेस्टिवल का क्या मकसद है और ये फेस्टिवल क्यों किया गया है? एक और भाई हमारे साथ मौजूद है जो इस टाइम पीछे स्टॉल लगाए बैठे हैं, जानते हैं और बात करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। मकसद क्या है और आपने क्या चीजें लगाई हैं और क्या आप स्टूडेंट को जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हमारे स्टॉल पे आने के लिए। जो चीजें हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं मतलब स्टूडेंट्स को, वो हमारे पास है बिरयानी है, फ्राइज है, कोक है और आइसक्रीम है, ठीक है। और जो इवेंट, इस इवेंट का जो मेन मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को जो है बिजनेस की तरफ उनका रुझान बढ़ाने के लिए, ताकि वो बिजनेस की तरफ आए ज्यादा से ज्यादा और प्रमोट कर सके कि हम भी बिजनेस डिपार्टमेंट के हैं और हम बिजनेस को आगे फैला रहे हैं। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी साहिवाल में, जाना कि आप लोगों को मौजूद पता है कि मैंने भी सारा फेस्टिवल कवर किया है। मेरे साथ मौजूद है सियासी और सामाजिक कारकुन, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज वो फेस्टिवल को क्या देखते हैं और वो एज ए मेहमान खसूसी हमारे फेस्टिवल में आज आए हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन पीएचए जनाब अली शकूर साहब, उनसे भी जानेंगे। जी सलाम अलैकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो इवेंट है वो काबिले दीद है और ऐसे इवेंट जो है वो होते रहने चाहिए, बड़ी हेल्दी एक्सरसाइज है और मैं ये समझता हूँ कि तालीम के साथ साथ लोगों बच्चों को फ्री हैंड भी मिलना चाहिए, ताकि वो अपने अजहान को बेहतर रख सके, डिप्रेशन से निकाल सके और पढ़ाई में भी बेहतर हो और दुनियावी मामला में भी बेहतर हो। तो मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ इंतजामिया को और हमारे जितने भी चौधरी शकूर साहब और जितने भी मेहमान ने ग्रामी आए हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। चेयरमैन पीएचए जनाब अली शकूर साहब से कि आज हमारे यहाँ मेहमान खसूसी बने और फेस्टिवल में आए, वो इस बारे में क्या कहते हैं? जी सलाम सर। जी सलाम अलैकुम। पहले तो यूनिवर्सिटी साहिवाल के सारे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उन सबको मुबारकबाद मेरी तरफ से। ये जो एक्सपो लगा है इट गिव्स यू एक्सपीरियंस के जो आपने पढ़ा है और स्टडीज की हैं अपनी क्लासेस के अंदर, तो आप प्रैक्टिकली जब आप फील्ड के अंदर बाहर जाएंगे तो उसको ये इसको समझें आप, वो आपका प्रैक्टिकल ये था कि इधर डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं और जिसना अभी मैं देख रहा था लोग बच्चियां लड़के लड़कियां कन्विंस कर रहे थे लोगों को कि वो अपने अपने स्टॉल पे हैं और आके यानी कि चीजों की लेन देन करें और उनको फरोख्त कर रहे थे लोगों को जो कि बाहर से आए थे। सो दिस गिव्स यू एन एक्सपीरियंस कि आप उससे सीखते हैं और इससे आपको पता चलता है सारी चीजों का। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की एक्टिविटी जारी रहनी चाहिए। कोविड-19 रहा है डेढ़ दो साल से, तो आपको पता है कोई एक्टिविटी पूरी दुनिया में नहीं होती रही है, तो इट्स हेल्दी एंड इट्स गुड टू सी कि इधर बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है और माशाल्लाह इसी तरह ये एक्टिविटी जारी रहनी चाहिए और
इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी साहिवाल हमारे शहर की यूनिवर्सिटी आगे बढ़े और आगे जाए और हम इनके लिए दुआ गुआ। वेल डन यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, वेल डन फैकल्टी मेंबर्स एंड ऑल डॉक्टर्स टीम, और आपने एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। और इसकी अहमियत इस हवाले से है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर ओपन होने के लिए आइडियाज़ पहले आते हैं, एक्शन बाद में होगा। तो आपने एक आइडिया फ्लोट किया है, यहाँ पे कमिश्नर साहब मौजूद, मिनिस्टर नौमान लंगड़ियाल साहब मौजूद, बहुत सारे जो इंटेलिजेंसिया जहीन और पढ़े लिखे लोग मौजूद, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, और ऑल आर इंडीवरिंग हार्ड मेकिंग एफर्ट के इस इलाके में कोई बेहतरी का काम हो सके और जॉब्स क्रिएट हो सके और लोगों का भला हो सके। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल ने आज एंटरप्रेन्योरियल गाला 2022 का इनेकाद किया यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल की तारीख का पहला इवेंट है कि जिसमें वो बच्चों को अकेडमिया को इंडस्ट्री से लिंक करने की बात कर रहे हैं। और इस गाला में डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों ने, 70 प्लस बच्चों ने इस गाला में अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किया है और अपने बिजनेस आइडियाज़ को और प्रोजेक्ट को डिस्प्ले किया, और इसमें इंडस्ट्री के डिफरेंट लोगों ने भी इसको अटेंड किया है और वो इन प्रोजेक्ट्स को फंड करने जा रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि जो एक एकेडमी और इंडस्ट्री के दरमियान जो एक मिसिंग लिंक था, तो ये जो इवेंट है वो उस मिसिंग लिंक को एक ब्रिज करेगा इंशाल्लाह। ये यूनिवर्सिटी की तारीख में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, तो मैं इसमें तमाम फैकल्टी मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत इवेंट का इनेकाद किया। नाजीन, यूनिवर्सिटी साहिवाल में फेस्टिवल जारी है, मैं एक और स्टॉल में आया हूँ और ज़ाहिर बात है यहाँ पर मुझे बाइक नजर आ रही है, और मजीद मैं पीछे अगर मेरे कैमरा में दिखा सके तो एक बेहतरीन स्टॉल लगा हुआ है साहिवाल में। मैं बात करूंगा कि इस स्टॉल इन्होंने कौन सा लगाया है और क्या चीज़ें इसमें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, और बात करते जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सबसे पहले मुझे बताइएगा, मेरे सामने अगर मेरा कैमरा में दिखा सके CD70 बाइक्स खड़ी है। जी, इसका फेस्टिवल में क्या काम है? एक्चुअली ये भी हमारी प्रोडक्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें ये चीज है कि हम इसको कस्टमर्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक इस तरह लेके आए हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम एक 1000 का कूपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सबके लिए 1000 में कूपन ऐड करें, 130 मेंबर्स हैं, और देन कुरानदाजी होगी, लकी ड्रॉ में हम उनकी जो है वो स्क्रिप्ट निकालेंगे उनके नाम की जो, और उन्हें हम प्रोवाइड करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल उनकी वो नहीं निकलती, हम उनको प्राइस उनकी 130 मेंबर से कम होगी तो उनकी प्राइस हम उनको वापस कर देंगे। आखिर में यूनिवर्सिटी साहिवाल के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और हमारे ज्यादा बात है जैसे कि हमारे सीनियर्स ने आप लोगों को मैसेज दे दी, अपने होस्ट सैयद फखर जैदी को दी।